बीजेपी के कदावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके अचानक से दिए इस्तीफा से सभी चौंक गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सिंह को पहले ही सौंप दिया था, लेकिन भजन लाल सिंह ने इस्तीफा की घोषणा आज की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। अभी यह पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने इस पोस्ट के दौरान लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन यहाँ बात यह सामने आती है कि यहाँ कौन से वचन की बात हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान किरोड़ी लाल मीणा को पूर्व राजस्थान की करीब 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। कहा जा रहा है कि यह जिम्मेदारी स्वयं पीएम मोदी ने उन्हें दी। उन्होंने दावा किया था कि दौसा और टोंक लोकसभा सीट पर वे जीत कर दिखाएंगे और उनके प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। अगर वे नहीं जीतते हैं तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि मीणा ने यह दावा इसलिए भी किया था क्योंकि दोष और टोंक लोकसभा सीट पर उनका खासा दबदबा था। इस वजह से उन्होंने ऐसा ऐलान किया था कि वह इन दोनों सीटों से भारी मतों से विजयी होंगे। लेकिन चुनाव का जब परिणाम आया तो बीजेपी इन 7 में से 3 लोकसभा सीटों में हार गई और इन सीटों में टोंक और दौसा सीट भी शामिल था। बताया गया कि परिणाम आने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कई समीक्षा बैठक और विधायक दल की बैठक में शामिल न होकर इसे दूरी बनाई। यहां तक कि जब चुनाव के बाद चुनाव आचार संहिता खत्म हुई तब भी उन्होंने सरकारी सुख सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर विपक्षी लगातार इन पर हमलावर होकर इन्हें इनकी वादे बार बार याद दिला रहा था। इस्तीफा के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें समझने की और मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः नहीं मानने के बाद 20 जून को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मीणा ने दिल्ली जाकर कई नेताओं से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा और अब इसको लेकर अधिकारी घोषणा कर दी गई है।